मैं ऐसा हर इंडिया जब मुखालफत कर दो बाबा गलत शे केड़ी आ इमाम जे हुकुम ते तहकीक करे तो इजतिहाद खोटरे तहकीक सा हुकुम कढे तो शरई फतवा जाहिल आलम दे वनी मसलो पुछी जानी उनते अमल करे तो या तकलीद गलत शे केड़ी हर थी ये नहीं मुखालफत करना है सवाब करो बाबा मशहूर कुरान आयत आए बस सिद्ध इमाम ने लिखाई पर इमाम आइमा मासूमी जे ताली मात में जा लिखी बई तई करे इमाम अच्छा इन सा गली इमाम के दे मौजूद भी बस कंदा हुआ वो वाला जो जिस्म ना है ये का सा अकीदा में खास अकीदो है कुल नजिल बलागा में मौला कायनात तेरे खुद में बने के तफसील से बयान है और ये गुजारिश करे मसा के दोचा वो या परसो जगह सा चाहू ना कि जिस्म ना मुजो जिस्म महदूद है इन कमरे में आए तो बाहर ना हो जिस्म जाए जो मना मकान जो मोहताज हो मोहताज के तो खालिक न रहंदो एक रहा जिस्म ना है बोला छाए वो तो सा चाहिए ना समझ जड़ी का शेई ना है समझाए सको का मिसाल सा इल्म आन इसन में कौन तो है वजूद आ इसन में नहीं दो उदन में नहीं दो महसूस थी अकुल इसन में ना तो है ना अल्लाह एड़ो वजूद आ गैर मादी जिस्मानी ना है बाकी अकुल इल्म जो खालिक अल्लाह हो अल्लाह जो वजूद गैर मतम कर इमाम जो जैसे असा पान भी विसारे समान जो इमाम यतीम थो दिल खोले पुरुष मौला मुझे बाबे जो अरमान हसन अस्करी अखियन से मंजर दिखा जैसे हुसैन जो रोजो ड्राहण की कोशिश थी करीब अठ अठ सौ फुट भारो बनो मौला हसन अस्करी तकलीफू पे अखियन से दिखी जै वक्त घर हरमन की वरी वरी तलाशी भी थे किथे को बार तो ना हसन अस्करी वो मजलूम कें रिवायत पढ़ी तो शहीद थो घर साड़ो वो ऐसो वारिस है तो कौन मामे जमाना जी पग कई सोली ना बधी जो त इमाम जनाजन जो वारिस आई जो त इमाम ने करबला जो वारिस जे वारिस जे मोटन था मदीने मदीने अचन था हाने फतह कयाम शाम शाम में बीबी आजादारी कराई यजीद के चे यजीद लुट जो माल भी वापस कर मां भा जो मातम कंदस मुके जा खाली करे दे मैं अक्सर चवंदो आ जदे मातम कयो अल्लाह जो शुक्र अदा कंदा कयो ए अल्लाह तुजो शुक्र आ मुके मातम करण जी इजाजत आ भी ज़ैनब बिन मातम लाए सिकंदी रही आ ओ तिकर वाला बीबी भा हुसैन तोखे मारियाऊ पे न भाव मा घिटी घिटी तुजो आलम एहड़ो हणी आई आ हां इए फड़का आई आ हां यजीदियत तक धमाका कंदी मारींदी तभी ज़ैनब जी मेहनत खत्म न थींदी भाव घिटी घिटी तुझो माता अची गया मदीने जा रहासी वापस मदीने बशीर जसलम जा ऐलान कंदो आयो मदीने वारो मदीने ओ जड़ी वियो था तहां जे मुस्तफा जे कुलहम जो सवार हुसैन बेदर्दी सा शहीद थियो तहां जे हुसैन जा बचरा बेदर्दी सा मारिया गया हाँ बाकी चंदा सैनू में कुल सुन जरा मदीने ते नजर पई ना वेण कयो ए नाने जा शहर मदीना कबूल न कजा डाढ़ी दुखी हालत में पहुंचा हूं आजादारो जन वापस मदीने पहुंचा ना सजुला पे खत्म हो गया एक वेण मौला सज्जाद जो एक सैन ज़ैनब जो मौला आयो नाने की कब्र ते फरमाए तो नाना जे कुरान में असां जी दुश्मनी जो हुक्म हो जे आपो भी इए नमारिन हा जी करबला में मरना महसूम तो फरमाए इए ज़ुल्म कयो तो दुश्मनी जो हुक्म हो जे आ तब न कना सोचो करबला में छा थे हुंदो एक वैन साइन रहना जो आई नाने जी कब्र
हुसैन मौला जो कमीस न हुई हुई रीणियूं हुयूं कपड़न जूं जेके वापस वरती हुई लुट जे माल मां साईं ज़ैनब हुए रीणियूं रीणियूं थियल कमीस रखी नाने जी कब्र ते चए थी नाना जदा जी को सफर ते वेंदो आ नाना सफर जी निशानी खणी ईंदो आ नाना ही मुझे सफर जी निशानी पई पर ज़बान हाल सां चवंदी हुजे नाना ॾिस कीअं कुठो हो हुसैन अलाह दरवाज भी या कमीस इमाम ज़माना जे सामू रखियल आहे ज़हूरी निशान मां हिकु निशानी आहे ताज़ो रत ॻणंदो त माना मुगो महदी तुंहिंजो दाख़िलो तयारु अथव नाला रखा वा
हिकड़ी ई आहे जंहिंखे हिननि मुख़्तलिफ़ नालनि सां साइन पाक चई सघे थी। इहा बीबी बि पाण वॾे इल्म वारी हुई, फज़ीलत वारी हुई, ऐं अहमद मासूमीन जो हूअं बि इहो हिसाब किताब हूंदो आहे त अला पढ़ूं था अक्सर लगभग सभी वो जो आबा दादा जो माना सीधो पैगंबर जो बाबो अम्मा मौला अली जो बाबो अम्मा हर मासूम जो बाबे अम्मा खा दीदे दादे आदम तीन नस्ल में शख्सियतों उन जो मुआशरे जो किरदार के हवा से कदा शख्स सघर शख्स साइन भी सोसन जो एक नालो हदीसा एक नालो नालो सलसल अंजा मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का सलाम मौला जी घर वाली तमाम घणो इहो अल्हम्दुलिल्लाह असांजे मिंबरनि तां ज़िक्र थींदो आहे इन करे मना थो बीबी जो नालो असांखे अक्सर खे यादि हूंदो त सभिनी खे ॿुधाए अक्सर कसीदनि में नुहन में घरवारी जल कुख्य दौर की यो समझो वो करबला सभी का दुख्य दौर करबला भी उन दुख्य दौर में जरूर है पर ये ना तो रुगो करबला दुख्य दौर जैं भी मासूम जी पैगंबर कवी दे मौला हसन अस्करी जैं जी भी तां सीरत ऐं मसाइब पढ़ो ना सची गाल आए तो घट में घट मां जदा थोड़ो सोची मैं तय न कर सकता हूं केर वधिक मासूम हर तरफ तमाम दुखिया हालात रहा हर तरफ तमाम घणो जुलम थियो अड़े नमूने इन टई इमाम ही जो असो नौ इमाम दहों इमाम दौर भी तमाम लिखो दौर इन दौर में इतनी सख्त जासूसी होंगी हुई मौला से बणा टे जणा गुज वेठा एक जासूस हों एकदम गाल पहुंची हुई हुकूमत जो हुई छो तो जानशीनी पैगंबर जी अल्लाह ताला अहल बैत के दिनी हुई जन जो हो कब्जो कब्जो बरकरार कि रखन इन घर के हेठा हो देखार की कोशिश कन इन सदाई गलत इल्ज़ाम हणी इन मानून का परे कन तो हकीकी वारिस इंदो तो वह नकली न हली सको इन कर नरगो इन अक्सर जिंदगी आमां की अड़ी रही है जैमें ही सुठे नमूने तबलीग ना कर सकिया उन तमाम घनी किरदार कशी हुई एतरी जासूसी जो थोड़ी भी गाल अड़ी निकले हुकूमत के खिलाफ इमाम के गिरफ्तार ही इमाम वो जो पटी हिजरी में विलादत टे या चार साल की उम्र में कैद थोड़ा तय कर मजलूम वधी केर मौला बाबा सा इमाम अली नकी के कैद किया वो चैन या पंज साल बाद में मध्य बचड़े हसन अस्करी के गद कर यो वक्त आ जदा मौला मदीने का तो बिलाद पाक मदीने में थी मदीने का आया सामरा आई वो सामरा में पहुंची मौला रहे आए ने वो सामरा में ही बिन ही बाबे ही बचड़े ही बिन ही मासूमीन जी जरी मुबारक से आप पा नंडड़ी उम्र में मौला कह चाहे रिवायत में यो मिले तो दौर एडो रुखियो आ जो उन दौर में मुतवक्किल मौला हुसैन के रोज़े मुबारक के डराने की कोशिश कई मन कबर मुबारक रोज़ इजाज़त न हुई आई यो तारीख जो यो समझो वदन घारण में घर हो तकरीबन
400 फुट बल्कि 800 फुट शायद घारो होना हो फुरात जिससे की जमीन 400 जरे जमीन पानी में अच्छे नियत अच्छा हुई हुसैन जी कबर ते जे زیارت लाय अचन था या زیارت बंद थी ना निशान होंदो ना زیارت थींदी ए ता सब जानो था मौला जी कबर मुबारक कोई हे था साइन जो दुआ होई ने अल्लाह मा दिसा पांजे भाव जी कुर्बानी मौला जी कबर मुबारक हे था हेठा ही जमीन ते 400 جریب لگل گھارو چینے پاسن کام دی رہے ہو جو تو خدا اللہ جو وعد ہو فذکرونی اذکرکم حسین تو مجھے ذکر بچایا ہوا تو کہ ماں بچائیں اس ہیٹھانی واری قبر بڑی کون پانی چینے پاسا ہی ہیں بھی رہے ہو جن حسین دی قبر جو طواف کر سبحان اللہ بھئی میں سمجھے لنے آئے راس کہی جائے تو بابے یقین مائی ہے تو پانی وہے یہ سانی ہے جو بھی مسئل بچوں بابا چھا کیوں آ یہ تو بچڑا سمجھنے نہ تو ہے جنو مت جو سندو کہو کہڑو जिंदगी में असा हर किस्म जो जुल्म कर असा जे कब्रन के भी सही रहन नथा दियन पानी कुछ न कयो पता वक्के लज कर दिया असा ट्रैक्टर हलाई नो एड़ी किस्म जे का मशीनरी खणी आयो के जे मथा हलायो मशीन भी चुप थी भी रही न हली आखिर में एकड़ो दांद गाड़ी का हराया आयो एकड़ो मसीही हो जे क्रिश्चियन उन के चे गाड़ी हला या कब्र लाहे छ अगते हलो वन दांद गाड़ी हुसैन जी कब्र जे अगिया बीवी بھی رہی اگتے نو تھی ان مسیح روئی چیو ان قبر کیو چھا تھا تمام چھا یہ دور میں امام جی بولے چین سال کی عمر میں جو قید کر اسا کہ یہ فون میں تو اچھے تمہارے سمین جی سیرت ایڑی ہوئی جو ہر ظالم جے لائے معصوم خطرو ہوئی ہر باطل جے لائے خطرو ہوندو ہوئیو کوشش کندا ہوا तो माना इन परे रहूँ मानन के इन परे कर ना तो असि कि भाई ये वो मजलूम इमाम है जो रोज़ तक फेरा शहीद 2006 में महीना हो 2007 गुम्बस बाकायद मौला रोजे रही पे एक दफो वरी हुआ दा रफी अलहमदुल्ला ने रोजो मुकम्मल किया रोजो भी शहीद यानी जनात अल बकिया की गल करना वारिस कयो तो कर दुखियो मसाइब के करन अजी की बकिया कैद अचानी तरफा खानी सभी मासूम के रोजन से ही पूरी कोशिश कई हुई उन्होंने ट्राई वन उन्होंने नुकसान पहुंचाया मौला जा टे भाव जाफर मोहम्मद आई हुसैन जाफर हुआ जैसे हुकूमत के पारा ये पैसा भी मिला तो यो इकरार कर खुले तौर दिमाग में हसन अस्करी जो भी औलाद रहे तो मशहूर हदीस हुई ना तो पैगंबर जो फरमान इन नमूने में कौन पढ़ पड़ो फरमायाऊं फिरऊन के खबर पई तो मूसा मुझो तख्तो खत्म कंदो फिरऊन बनी इसराइल जे उन मायन दी जिन दी खबर पवंदी ही बार उन जा पेट फड़ाई छड़ी दो तो बार भाई भी शहीद थी वने बार भी हलो वने मुझो बचड़ो महदी भी या जमाने जे जालमन जा तख्त ऊंधा कंदो जालमन के निहोड़ी दो तह करे कोशिश कंदी दुनिया त हिन के जे मूसा के वन कोशिश के बाद जे पेट में शहीद करन जी दुनिया में अचे न न वने अचे न न उम्र में शहीद जाफर हुआ जे मौला जी यो ऐलान के उनन जे पारा पैसा वठी त इमाम हसन अस्करी जो को भी होला माई ने जो वारिस मौला जनाजे ते छो जने जाफर नमाज पढ़ण आयो रिठाऊं पजन साल जो बाहर आयो ए चाचा परे थी परे करे मौला इमाम जमाना नमाज पढ़ाई को ताई इमाम बैठ त ते भावन एकरो यो भाव मोहम्मद इन जो भाव हुसैन ये भाई भाव इन्हें जे बारे में कैडी शकान थी मिले सीधी साईं आयमा जी मुखालफत वाली अलबत्त इन जाफर जे बारे में यो भी मिले तो पो इन को बहते इन जा पर लफ्ज लकब मशहूर है जाफर कसाब कसाब माना कूड़ो यो जाफर तवाब जे तोबा करे चली तुम गलती करी ने को गलती थी को तो मौला जी जे तब असन जे आयमा मसूई में हसन जे नाले से मौला हसन मुस्तफा मौला हसन अस्करी इन मुनासिबत से इमाम हसन अस्करी के हसन ने अखीर माना आखिरी हसन वो पहले हसन ये आखिरी हसन बोला जे लकब अस्करी लायकड़ी रिवायत में जाए थे पढ़ी वार से मैं तो बचा के मुतवक्किल बिठो नंडी उम्र वालों इमाम के जो कह तो नंडी उम्र वालों मुतवक्किल ही इमाम के रजा रहने की कोशिश की जे दरस मुझे अश्कर के दुआ मुतवक्किल बाका दे बंदोबस्त है तमाम समय हजारें घोड़न ते सवार रख रहे हैं जबलन ताई लहो जण के मुल्क ते हमलो ता कयो ई वड़ा लश्कर रहन लगा इमाम जे मौला दिस त सही मुझे लश्कर के वड़ा इमाम एक दफे इशारा कयो हेड त दिस मुतवक्किल जो इमाम जो गे भी लश्कर डठो ते दिस बेहोश थियो मुतवक्किल के मानू उठारियो छा थियो इन
हिकड़ी रिवायत यह है अस्कर माना लश्कर वार इन तम लकबा बी रिवायत यह बात उन जगह के बस्कर तो किलो हो जंग वारो चयो इन करे मौला जी लकबा इमामत मौला जी बस मौला जी रहा आया है सामरा में बस साल नव महीना सामरा आया है निपो मौला निपो सामरा आया कुनियत में अबू मोहम्मद जमाना जो नालो अबुल हसन अबुल हुज्जत अबुल कायम सब मौला जो लकब है नाला है मौला जो बाबू है इमाम हसन अस्करी अबुल मोहम्मद अबुल हुज्जत अबुल कायम अबुल हसन ये ही मौला जो कातिल मोतमिदा जो मौला के जहर पिया रो इन खा मौला जी इमामत थी ना माना इमाम अली नकी की शहादत थी 254 हिजरी में मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत थी 260 हिजरी में इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की विलादत थी 255 हिजरी में मन जन इमाम अली नकी शहीद थिया मौला इमामत ते बैठा सिर्फ 6 साल इमामत ते हुआ वो मौला शहीद थी 6 साल में 3 हुक्मरान आया है इमामत के बारे में 3 हुक्मरान आया मुअत्तस मुअत्तदी मौतमिद मौतमिद आखिरी और आखिरी जै मौला के शहीद भी कराए पहरिया बई भी हुए हुआ जिन शाह कत्ल कराने की शहीद कराने की कोशिश की हाँ जी अर्स कम तो मौला जी या मशहूर रिवायत हुई दुबार हो इमाम जो वो जालिमन जा तख्त खत्म कर छी इन कर पूरी कोशिश कई वही तो उन दुनिया में विलादत ही न थे यही खास गाल मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शादी ही ना है थी काफ़ी अर्से बानी है जैसा शादी थी मौला जी अकेले फर्ज अल्लाह तला जद तो पे नूर के बाकी रखना चाहें लोकना चाहिए मान अला नूर बचाने तो चाहे मूँ विसाइन था चाहें कड़ी भी कोशिश कहो नूर बचाई भी कमाल से पोचाई भी ये फूकू हणी भली विसाइन की कोशिश कर न विसाई सकता त इमाम जमान है अल्लाह तला खास अहतमाम फरमाए मौला जी एक खुफी आ मौला हसन अस्करी बीबी हकीमा खातून बी हकीमा खातून आई है मौला हसन अस्करी बीठा 15 शौबान की रात मौला फरमाइन खुफी अज तुम इतने ही रहो ऋषि पुछो जी बछड़ा बछड़ा भी मौला भी चवंदे भले पुफी हो जाए वक्त जमाने जो इमाम मौला हसन पुफी अज उन विलादत थी जो जमाने के सभी मजलूमन जो मरकज़ आ सब जुल्म खत्म कर दुनिया साइन हकीमा खातून फरमायो हसन मौला हिंसर बीबी नर्जिस खातून का थी आई है माई माओ के बार जा खास निशान हुंदा को सारा बीवी में को भी निशान न है मौला फरमायो तो भी अमा छो जालिम हन के खत्म करन ता चाहन ते करे अल्लाह ताला भी एड़े तरीके से पुझे अंदाज सा विलादत कैया के खत्म उने रात मौला जी या फजर जे वक्त 15 शाबान की रात तो मौला अकेला पुटा मौला इमाम अस्करी जो आई मौला जो को वो यर्स कम तो जाफर पैसा वी ऐलान किया तो भी औलाद ना है कुछ अहल सुनत के आलम की यह राय है इमाम हसन अस्करी को भी औलाद ना हुई मशहूर लिटरे हैं इब्ने जरीर तबरी यहया बिन साइद इब्ने हसन इन टिन लिखो अलबत् यह राय अहल सुनत में ना रुको इन टिन जहां मिसाल किताब पढ़ो सवाए के मोहर का इब्ने हजर मक्की जो लिखो आता औलाद है अड़े नमें तुम मिसाल मौलाना अब्दुलरहमान जामी जो किताब आ रहा इमाम पढ़ने में लिखो मैं भी मुंतजर 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 में जो इंतजार कजे मुंतजर माना इंतजार कंद गैबत जो जिक्र आए किताब अहले सुन्नत में कर रहा है इमाम ज़माना जो पर एक राय आए जका शीन वाली आ इमाम की विलादत थी चुकी है गायब आ ज़हूर थी एक भी राय यह है इमाम ये पैदाइश है थी पैदाइश थी मजे की गाल यह है खोड़ मानू ने इन नियत से पुट जो नालो मेहदी रखो ईद वो मेहदी यो थो तो बस सलवा पढ़ो अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद सल्ले मुहम्मद मौला जी दौर में जी ही पहरिया हो इमाम हसन अस्करी का अग में इमामत का मौला अली नकी अलैहिस्सलाम की इमामत मुस्तईन खलीफो मुस्तईन सख्त
امام جی دشمنی میں ہوئی تو مولا سیدی گالا ظالم حکمران کے قبول نہ کنا مولا جی گالی ہوئی ہوئی چے ہوں تے یو منا ظالم حکمران غلط تو کرے وگال تے جاسوس دین تے پہنچے تے مولا دشمن تھیو پر او جڑا مریو قتل تھیو انہی کا کو موتس جو کو منا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جو قاتل ہے مولا کی قتل کرا پر ان جی حکمت کافی ہلیا پہریا نرم تے نرم رہی ہوئی کو اپتے ولی کون سمجھ ائی اساں کے خود مولا حسن عسکری لے ملے تو مولا تمام سختی میں زندگی گزاریا سوچو مولا درس کیم نا اولاد نکھے انہ کرے سختی اترے تائیں جو مولا جی جڑا شہادت دیا تو حکمران تے چا مشہور ہو تو کو بھی اولاد نہ ہے جکا مولا جی گھر واری جی ان حد تائیں تاشی رکھی ویا تے جکڑے محسوس تو کہ گھر واری کے پیٹ آہے تو ان کے قید کیو ان کے یاد قتل کیو نگرانی تھی ابا کا سیدھی گال مولا جی دی ولادت زندگی میں تھی تو کیا کہیں وہ لکھ میں کیا کہیں خبر نہ پائی مخصوص مانن کی ہوئی کوڈ روایت ملن تو مولا آیا حسن عسکری شخص آیا ملن وارو مولا ایکو تین سالن جو بار پنج کلن تے کھنی آیا یہ فرمایا تے دسو مکھا کوئی مجو وارث آ ائیں جی غیبت میں ہوندو غائب ہن جی غیبت میں پنجا دین چھڈ جو نہ پنجا کی تا پھر جو نہ اساں وانگر ظاہر نہ ہوندو جی اساں ظاہر واسیں غائب تا مخصوص مانن سا ملاقات کرائی ا ان چوان تا جکا بڑی میں بڑی مولا امام زمانہ سا گڈیل میڑ میں ملاقات کی یا مومنن و جنازہ حسن عسکری علیہ السلام جنازہ نماز میں مولا پڑھائی جعفر پڑھائیں آیا مولا ان کے پرے کے پرے چاچا پان پڑھائیں ان کو پڑھائے عمر علی مولا لائک جی یہ بڑے میں بڑو میڑ ہو جائے مولا ملاقات تم امام حسن عسکری علیہ السلام دی یکو مسلسل سخت نگرانی میں کچھ وقت جڑو ملیو اجے میں مولا کھلی کم کر نہ تک اجازت نہ ہے معصومین کے بھی وقت مارٹ نہ بس میں حسین علیہ السلام جو قیام قیام نہ اٹھن مولا حسین کدا بیٹھو آ جا بابا مارٹ بیٹھو آ جا ایک لمحہ مارٹ نہ بیٹھو مولا زندگی جو ہر لمحہ جدو جہد میں رہوا البتہ حالت جی گا کیڑے حال وقت حالت میں کیڑو رستو پند طریقو مناسب ہو گیا تو مولا بھی سختی دور میں گزاریو نہیں کو سختی میں ان حد تائیں چھو جو خلیفہ امام سن گدا ਆਈ ਮੌਲਾ ਜੋ ਖਤ ਪਹੁੰਚਾ ਮਾਣੂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਖੇ ਨਾ ਸਲਾਮ ਕਜੋ ਨਾ ਮੁਸੰਦਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨ ਤੇ ਵੀ ਮੁਖੇ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਖ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦ ਐ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸ ਪਾਇਆ ਮੌਲਾ ਜੀ ਰਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾ ਖਤਲ ਮਸੀਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਕਿਆ ਮੌਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਮਿਲੇ ਤੋ ਇੱਕ ਦਫੇ ਪੰਜ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਡੰਡੋ ਰੋਣ ਨਾ ਬਾਸ ਜੀ ਡੰਡੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਠਾ ਮੇ ਇਹੀ ਖਣੇ ਮੈਂ ਫਿਲਾਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਡੰਡੋ ਖਣੀ ਹੋ ਗਿਓ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਮਾਣੋ ਮਿਲਿਓ ਜੇ ਇਮਾਮ ਕੇ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਹਟਵਤ ਮੈਂ ਗਲਾ ਯੋਗਾ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਾਵੜ ਜੀ ਡੰਡੋ ਵਰਗੇ ਵਾਇ ਇਹ ਡੰਡੋ ਆ ਇਹ ਡੰਡੇ ਜੇ ਇਕੜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਾਠੀ ਛੇਤ ਨਿਕਰੀ ਪਰੀ ਪਈ ਅਤ ਖਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੋ ਭਜੀ ਖਣੀ ਡੰਡੋ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਅਮਾਨ ਜੇ ਵਾਪਸ ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਬੋਤ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਲਗਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇ ਲਗਲ ਹੋਜੋ ਯਾ ਕਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੈ ਮੂਹ ਸਿੱਧੋ ਬੁਧਾਇਓ ਤੇ ਡੰਡੋ ਪੋਜਾ ਕੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗਲਾਈਂਦੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅਲਾਈ ਕਿਤਰੋ ਇਲਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇ ਛੜੀ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿਤਰੋ ਇਲਮ ਪੰਜ ਲੈ ਕਿਤਰੇ ਮੁਮਿਨਨ ਤੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਛੜੋ ਜਨ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਜੇ ਦੀਨ ਦੀ ਪਰਚਾ ਇਨ ਤਰੀਕੇ ਸਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੋ ਯਾਨੀ ਸਖਤੀ ਆ ਡਾਢੀ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀ ਨੇ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦੌਰ ਮੇ ਖਰੂਜ ਹੁਕਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇ ਅਲੀ ਇਬਨ ਜ਼ੈਦ ਐਸ ਬਿਨ ਜਾਫਰ ਇਹ ਬਈ ਮੁਮਿਨ ਹੈ ਬਿੜਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਬਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਆ ਸਈਦ ਬਿਨ ਸਾਲਹ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਈਦ ਬਿਨ ਸਾਲਹ ਹੈ ਇਹ ਖਾਰਜੀ ਹੋ ਜੇ ਕੇ ਜਾਉਂਦਾ ਅਲੀ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਕਾਫਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਹੁਕਮਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਤ ਮੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਸੱਤਾ ਹਿਜਰੀ ਮੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਲੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਮਾਮ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਬਾਕੀ ਖੂਬ ਜੇ ਕੇ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਇਬਨ ਜ਼ੈਦ ਹੈ ਐਸ ਬਿਨ ਜਾਫਰੀ ਹੈ ਬਈ ਮੌਲਾ ਜਾ ਦੌਰ ਮੇ ਹੁਦਾ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਖਾਰਜੀਆ ਜੋ ਖਾਰਜੀਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਮੇ ਮੌਲਾ ਹਾਣੇ ਜੋ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਤਰੀਕੋ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਹ ਹੋਇਆ ਖਤ ਜੋ ਵਕੀਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਰਾਬਤੇ ਵਾਲਾ ਮਾਣੂ ਆ ਪਹਿੰਚਣ ਤਾਈਂ ਖਬਰ ਹੋਈ ਇਮਾਮ ਜੋ ਮਾਣੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਰਬਲਾ ਮੇ ਮੌਲਾ
मुस्लिम जे सफीर साईं इब्न ज़ियाद जो मणो मिलियो हम से पैसा है मस्जिद में रोए बैठो या हुसैन हुसैन तो मज़लूम आ उजर मिलस तो उन पैसा रिना जे हम हुसैन ते पहुंचाना है वो मानु विचो है के मुस्लिम ते बैठी आए कितना मुस्लिम गिरफ्तार जासूसी इदारा पनाइन में हंदा मुख्तलिफ तरीके से काम करना है एड़े लिबास ने भी मानु नौकरी ना है जे के लगन मोमिन सा मौला को पंजा वकील मुकरर किया मौला जे अकील अकीदा है को एकड़ो अबुल अदियान एकड़ो मौला जो उस्मान इब्ने सईद उमरिया यो वो शख्स जनाइमा में जमाना जी गैबत शुरू थी पर गैबत जा हिस्सा है गैबत सुगरा जो गैबत कुबरा गैबत सुगरा 69 साल हली मन बस 60 जी मौला हसन जी शहादत या सनस्तरी 300 जी ने 40 साल 29 साल 329 हिजरी में मौला जी की गैबत कुबरा शुरू गैबत सुगरा या नंडी गैबत में मौला जा चार नायब हुआ जेके मानु सारा पे होंदा हुआ खत ईंदा हुआ खतन जा जवाब ईंदा हुआ वरी मौला जी तरफा टोकी मुबारक चिक्षी मान खत ईंदो पड़ी बुदे नहीं मौला जो ठीक वाला दो तो ही उस्मान इब्न सईद उमरी वो मौला जो वकील आ जब कोई हसन अस्करी अलैहि सलाम की शहादत का इमाम जमाना लोके में वकील बने अई या वकालत में बोला था नायब एको नायब खास जो आम नया पता मौला जी जिंदगी में माना जाहिरी गैबत सुगरा में हुई आम खास नया पता मुकरर हो नायब बाबा ही नाले से नायब इमाम ने खत राब्तो करनो खत लिखो ही ता जो खत खणी विंदो वापस वरी ही खत इमाम का वठी इंदो जवाब इमाम जो खास नयापो खत आयो आई दिंदो या गैबत सुगरा जे में के तरीके से इमाम सा मानन जो राब्तो सिद्धो हो उने का मुजरे गैबत कुबरा चार बनाए हुआ चौके नायब की वफात मल खत आयो हाने नया बत आम